ढाई साल के बाद भी दुनिया का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इजराइल के एक वैज्ञानिक ने चिकित्सा बिरादरी और महामारी पर्यवेक्षकों में घबराहट पैदा कर दी है। इजराइल के वैज्ञानिक डॉक्टर शाय फ्लिशोन ने दावा किया है कि भारत के 10 राज्यों में कोरोना वायरस का सब वेरियंट BA.2.75 मिला है। डॉक्टर शाय इसराइल के शिवा मेडिकल सेंटर में मौजूद सेंटर वायरोलॉजी लैब में कार्यरत हैं। उन्होंने लिखा है कि BA.2.75 2 जुलाई तक 85 सीक्वेंस इसके अपलोड किए गए। इनमें से ज्यादा भारत से थे, बाकी 7 अन्य देशों से हैं। फिलहाल ट्रांसमिशन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। शाय ने इन कोविड केसेस के बारे में विस्तार से बताया भी है। डॉक्टर शाय के मुताबिक 2 जुलाई तक भारत में कोविड के नए सब टाइप के 69 केसेस मिले थे। इसमें 27 महाराष्ट्र, 13 पश्चिम बंगाल और 1-1 दिल्ली और जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, 6 हरियाणा, 3 हिमाचल प्रदेश, 10 कर्नाटक और 5 मध्य प्रदेश और 2 तेलंगाना में मिले थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के डेटा पर नजर रखने वाली साइट नेक्स्ट ट्रेन के मुताबिक भारत के अलावा 7 और देश हैं जहां नया कोविड वेरिएंट मिला है। जी हाँ, शाय ने BA.2.75 को सेकेंड जनरेशन वेरिएंट बताया है और लिखा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सेकेंड जनरेशन वेरिएंट उन देशों से निकलकर दूसरे देश पहुंचे हैं जहां वो पाए गए थे। शाय फ्लिशोन ने आगे ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि BA.2.75 क्या आने वाले वक्त में दुनिया भर में फैल जाएगा? ये इतनी जल्दी सामने नहीं आ सकता, लेकिन BA.2.75 चिंता पैदा करने वाला जरूर है। भारत का रुख क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा से आज तक ने इस पर बातचीत की। एक तरफ विदेशी वैज्ञानिक इसको लेकर बहुत ही चिंता में है, तो वहीं भारतीय वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी पैनिक बटन दबाना जल्दबाजी होगी। वो बोले कि नए वेरिएंट का मिलना असामान्य नहीं है और वो बोले कि जैसे जैसे वायरस सुस्त पड़ता जाएगा तो वेरिएंट सामने आते जाएंगे। समीरन पांडा के मुताबिक म्यूटेशन तो होना ही है, इसको लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए।